Today I'm going to start next topic that is called a significant figure. Scientific notation वगैरह मतलब experimental में जो भी value आती है उसको power में liter में कैसे convert ये सारी चीज़ें तो नहीं discuss कर रहे हैं हम significant figure के. Question ये पूछता है कुछ digits दे देगा पूछेगा how many significant in these cases. तो rules होते हैं कुछ उस rules को हम आपको देख बता दे रहे हैं उसके according हम significant figure को find out करें. पहला rule होता है कि जितने भी non zero digit होते हैं वही केवल significant में count होते हैं. As for example जैसे दे रखा 42.3 क्योंकि इसमें zero नहीं है तो ये total number ही हमारा क्या हो जाए significant हुआ. पूछता है 42.3 में कितने significant figure हैं तो हम देखो count कर लें 1, 2, 3 three digit है तो significant figure कितना होगा 3 होगा. second case दे रखा 243.416 415 दे रखा है कुछ भी डिजिट है. सपोज करो हम दे रखा है 72.03 फर्स्ट रूल में जीरो हम की बात नहीं कर फर्स्ट रूल ये नॉन जीरो डिजिट दैट इज कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट फिगर. जैसे हमारा दे रखा है 52.34 तो पूछेगा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट 1, 2, 3, 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4. ठीक है तो पहला रूल क्या रहता है कि नॉन जीरो डिजिट जितनी भी होती है दैट इज कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट फिगर. अब सेकेंड रूल क्या आता है कि अगर सपोज करो इफ जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपियर्स बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट. अगर जीरो दो नॉन डिजिट जीरो के बीच आता है तो दैट इज तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा. जैसे सपोज करो दे रखा है 2.003 देखो ये जीरो क्या है टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आता तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगा. तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4 तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे 4 है. अगर जीरो आपका टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है तो दैट इज ऑल्सो काउंटेबल इन अ सिग्निफिकेंट फिगर. थर्ड आता है कि अगर सपोज करो लीडिंग जीरो और द जीरो प्लेस टू द लेफ्ट लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट. अगर सपोज करो कोई नंबर जीरो से स्टार्ट होता है 0.053 इन दैट कंडीशन जीरो जो होगा यानी लेफ्ट साइड में अगर सपोज करो जीरो आ जाता है इन दैट कंडीशन ये जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे. अगर सपोज करो इसमें क्या था कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो केवल हम नंबर को ही काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर. और भी कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे मैंने जैसे 0.543 0.5 तो जीरो से स्टार्ट हुआ हम नहीं काउंट करेंगे जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं तो केवल हो नंबर ही काउंट होगा तो 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट है. जैसे 0.043 जीरो से है जीरो से स्टार्ट हुआ नहीं काउंट होगा जीरो तो 4, 3 टू ही डिजिट है टू सिग्निफिकेंट है. 0.006 केवल 6 को ही हम काउंट करेंगे. तो ये 3 रूल्स हैं इसके आगे भी और रूल्स हैं. जैसे फोर्थ रूल कहता है सपोज करो ट्रेलिंग जीरो और द जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट. देखो इससे पहले वाले रूल्स में अगर जीरो से कोई नंबर स्टार्ट होता है तो वो काउंटेबल सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होगा. लेकिन अगर नंबर के बाद जीरो आता है डेसिमल लगने के बाद अगर जीरो आता है तो दैट इज ऑल्सो काउंटेबल इन अ सिग्निफिकेंट फिगर. एज फॉर एग्जाम्पल हमने दिया है जैसे एग्जाम्पल लिया है 432.00 तो यहाँ डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है इसलिए हम इसे जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे. अगर डेसिमल के पहले आता जीरो तो नहीं काउंट करते और अगर डेसिमल के बाद आ रहा है तो हम काउंट. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमें दे रखा है 0.0042 दे रखा है तो स्टार्ट हुआ जीरो से तो जीरो काउंटेबल नहीं है. लेकिन अगर 432.00 दे रखा है पॉइंट के बाद अगर जीरो आ रहा है नंबर के बाद जीरो आ रहा है तो इन दैट कंडीशन हम जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट करेंगे. तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 सिग्नल जैसे 4, 4, 9, 2.0 पॉइंट के बाद जीरो है तो जीरो काउंटेबल होगा. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाए 1, 2, 3, 4 यानी सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो 4 हो जाए. एंड लास्ट रूल दैट इज कॉल्ड अ फिफ्थ रूल. इसमें कहता है इफ अ नंबर एंड इन जीरो बट दैट जीरो और नॉट टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट दी जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. यानी अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ है और लास्ट में जीरो है तो वो जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. कुछ एग्जाम्पल दे रखा है जैसे हमें दे रखा है 1.14 × 10⁻⁴ या 10⁻⁴ कुछ अगर दे तो 10⁻⁴ को हम काउंट नहीं करेंगे यानी वही हो गया पॉइंट को उधर शिफ्ट कर दो. ठीक है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट अगर फिगर है 1.14 तो कितने डिजिट है 3 डिजिट है सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा. 1.140 है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट 4 क्या है कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे. 0.140 देखो पॉइंट के बाद आ रहा है जीरो तो काउंटेबल होगा तो टोटल कितना हो गया 0.140 जो है तो ये आपका 4 हो जाएगा.
अगर यहाँ पे दे रखा 2.43 इंटू 10^4 दे रखा हो, इन दैट कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, इसके अलावा एक मैंने क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको, ये आप सॉल्व करेंगे। जैसे दे रखा स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अब ये आपको नंबर्स कुछ दिए हुए हैं, ये आप क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताएंगे। जिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 6.4 एंड 6.43, दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद